हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक और रेसिपी लेकर, और हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड की कचौड़ी। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कुरकुरी बनती है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जब मर्जी हो तब बनाकर खा सकते हैं। और हम स्टफिंग में कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये और हेल्दी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कीजिए और चलिए हम इसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू धोकर के उबाल लिए थे, फिर हमने उनको छील करके ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको एक इतने बड़े बर्तन में डाल देंगे। और ये आधा कप कद्दूकस किया हुआ पनीर हम इसमें डाल देंगे। और ये आधा कप के करीब कद्दूकस करके फूल गोभी हमने ली है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये आधा कप बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज हमें बहुत बारीक काटनी है वरना ये कचौड़ी में से बाहर निकलने लगेगी। और ये आधा कप मटर को हल्का उबाल करके इसमें डाल देंगे। हमने ये फ्रेश मटर ली है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा भुना पिसा हुआ जीरा डालेंगे और ये धनिया पत्ता डालेंगे। और धनिया पत्ता डाल करके ये स्टफिंग हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये दो ब्रेड के स्लाइस लेंगे जिनके हम किनारे अच्छे से काट लेंगे चारों ओर से, और हम इनके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से हमें पानी लगाना है, दोनों ब्रेड पर हमें पानी लगाना है हल्का सा। इन दोनों ब्रेड को अब हम हाथों से ऐसे दबा दबा करके दोनों साइड से हम पतला कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड लेंगे हाथ में, उसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे थोड़ी। और दूसरे ब्रेड को उसके ऊपर रख के हम इनको आपस में ऐसे प्रेस करेंगे हाथों से, और इसको एक लोई की शेप देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी गीला है हल्का सा, तो हम थोड़ा सा जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये एक लोई की शेप ले लेगा। कुछ इस तरीके से हमें करना है। आप चाहें तो कॉर्नर्स पर थोड़ा पानी लगा सकते हैं। और इस ऐसे करके हमें एक लोई तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ऐसे हमें लोई तैयार कर लेनी है। अब हम इसको ऐसे ऊपर से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये कचौड़ी हमारी तैयार है। हम आपको एक और आसान तरीका दिखाते हैं। हम एक ब्रेड लेंगे, उसको इस तरीके की कटोरी की मदद से गोल काट लेंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। ये देखिए, इसके हम किनारे हटा देंगे और ऐसे काट लेंगे। एक और हम ब्रेड काट लेते हैं ऐसे ही कटोरी की मदद से, कॉर्नर्स हटा देंगे। और अब हम इनके ऊपर थोड़ा पानी लगाएंगे। दोनों ब्रेड के ऊपर हम पानी लगाएंगे। इस तरीके से पानी लगा करके अब हम इनके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। एक ब्रेड लेंगे हाथ में, उसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे और दूसरे ब्रेड को उसके ऊपर रख के अब हम ऐसे साइड से सील करेंगे। और जैसे हमने लोई बनाई थी वैसे ही लोई बनाने की कोशिश करेंगे।
अगर आपके किनारे सील नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और लगा लीजिए। ये अच्छी तरीके से सील होने चाहिए, ये खुल भी सकते हैं सेकते टाइम अगर ये अच्छी तरीके से सील नहीं होंगे तो। ये कचौड़ी भी बनकर एकदम तैयार है, हम बाकी की कचौड़ियाँ भी ऐसे ही बना लेंगे। हम आपको एक और करके दिखाते हैं ऐसे ही। हमें इसके किनारे इंश्योर करने हैं कि अच्छे से सील हो जाएं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम इनके किनारों पे थोड़ा पानी और लगा देंगे जिससे कि अच्छे से सील हो जाएं। ये देखिए, ये अब कचौड़ियाँ सिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको सेक लेते हैं। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, घी। ये हमने मूँगफली का तेल लिया है। ये हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें अपनी कचौड़ियाँ डाल करके सेकेंगे। कचौड़ियाँ हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर हम इनको स्लो फ्लेम पे करेंगे तो जो तेल है वो अंदर भर जाएगा, और अगर हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो कचौड़ियाँ ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। सबसे पहले हम एक कचौड़ी डालेंगे, इसको हम नीचे से सिकने देंगे। जब ये नीचे से सिक जाएगी तो उसको ऐसे पलट देंगे और फिर हम दूसरी कचौड़ी इसमें डालेंगे। हम एक साथ कचौड़ियाँ नहीं डालेंगे, जब एक नीचे से सिक जाएगी उसको पलटने के बाद ही हम दूसरी डालेंगे। हम कचौड़ी चेक कर लेंगे एक बारी, हम थोड़ा सा इसको और सेकेंगे। कचौड़ी चारों ओर से सिक जानी चाहिए अच्छे से। ये कचौड़ी हमारी चारों ओर से अच्छे से सिक गई है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम एक एक करके सारी सेक लेंगे और जो सिकती जाएगी हम उसको बाहर निकालते चलेंगे। दोस्तों ये देखिए, सारी कचौड़ियाँ सिक कर तैयार हैं और ये इतनी अच्छी बनी है कि इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरा है और ये बहुत ही कुरकुरी बनी है। हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं, ये देखिए, खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ में भी खा सकते हैं। हमने इनको यहाँ चटनी के साथ में परोसा है। दोस्तों ये देखिए, देखने में ही ये कितनी यमी लग रही हैं और ये चटनी के साथ में तो और भी स्वादिष्ट लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।